दानापुर के शाहपुर में मद्य निषेध विभाग और शाहपुर पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ट्रक से 495 कार्टन शराब जब्त की है। करीब 23,000 शराब की बोतल ट्रक के तहखाने में छिपाकर ले जाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर हरियाणा से शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दो शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बीटा से दानापुर स्टेशन की तरफ आरजे नंबर के ट्रक से शराब ले जा रही है। तो हम लोग सूचना को सत्यापन करते हुए वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए हम लोग वहाँ पर तुरंत पहुँचे और गाड़ी को जब्त किया। कौन सी गाड़ी से शराब की खेप पकड़ी गई है? ये 12 चक्के की ट्रक है। कितना था उसमें, कितना लीटर था शराब? 495 कार्टून उसमें शराब है। रोक कर लेते हैं बड़ी खबर की। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कंटेनर से 1.5 करोड़ का गांजा बरामद किया गया है। दो तस्करों को भी उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। 2 क्विंटल 89 किलो गांजा बरामद किया गया। आपको बता दें बलछरी चेक पोस्ट पर कार्रवाई की गई। गोरखपुर से मोतिहारी सप्लाई का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की टीम ने बरामद कर लिया है गांजे को। तो आप गोपालगंज से बड़ी खबर बता रहे हैं। बता दें कि गोरखपुर से गांजे की खेप लाई जा रही थी, जिसे मोतिहारी में खपाने की तैयारी की गई थी, लेकिन पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए कंटेनर से 1.5 करोड़ का गांजा बरामद कर लिया है। दरभंगा पुलिस ने नकली दारोगा को नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जाल बिछाकर वर्दी पहने नकली दारोगा को पकड़ा। नकली दारोगा ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर बनकर इलाके में वसूली करता था। जो भी गाड़ी गलत साइड से आती होती थी तो नकली दारोगा उनसे पैसे लिया करता था। पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तब पुलिस ने गुप्त तरीके से मौके पर पहुंचकर नकली दारोगा को रंगे हाथ दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी ने बताया है कि उसने दारोगा की बहाली में कई बार एग्जाम दिया लेकिन सफल नहीं हुआ, जिसके बाद उसने नकली वर्दी पहनकर पैसा कमाने की सोची और पिछले 7-8 महीने से वो पैसा भी कमा रहा था। जाके पोस्ट पर काम करते थे, दो नारा ना कहीं मिर्जापुर में आकर के काम करते थे। वन वे में जो भी गाड़ी आता था उसको रोकते थे, जो 1,500 रुपया उसका चलान कहते थे चलान कटेगा, ये तो मैनेज करना तो मैनेज करो, तो 500 जो भी हुआ होता था वो देकर चल जाता था। बस यही करते थे 8-9 महीने से। देखिए मामला संज्ञान में आया कि गुप्त सूत्रों से पता चली कि एक व्यक्ति मिर्जापुर चौक जो थाना टाउन थाना में अवस्थित है वहाँ वाहनों को ट्रैफिक वायलेशन के नाम पर रोक रहा है, वन वे से आती हुई वाहनों को हेलमेट चेकिंग के नाम पर और वसूली कर रहा है। कुछ संदेह उत्पन्न होते ही ट्रैफिक के जो SHO हैं वो वहाँ पहुँचे तत्काल और उसे हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने पर पूछताछ के उपरांत पता चल रहा है कि वह दरोगा एग्जाम का अभ्यर्थी रहा है, इसलिए सारे तौर तरीकों से वाकिफ है। पूर्णिया में बेर तोड़ने के आरोप में स्कूली छात्राओं को पीटने और उसे थूक चटवाने का अमानवीय चेहरा सामने आया है। ये घटना बाईसी थाना के चोपड़ा गांव की है। आरोप गांव के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति मुश्ताक पर लगा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी पीड़ित स्कूली छात्राओं की उम्र 10 से 12 साल के बीच है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 7 लड़कियां स्कूल जा रही थी, तभी गांव के मुश्ताक ने उसे पकड़ लिया और उस पर बेर तोड़ने का आरोप लगाकर उन्हें खूंटे से बांध दिया, जमकर पिटाई भी की। वे लोग माफी मांगते रहे, इस पर भी उसका दिल नहीं पसीजा। इतने से जब मन नहीं भरा तो मुश्ताक ने बच्ची के हाथ पर थूक दिया और उसे जबरन चटवाया। इस घटना के बाद से लोगों में काफी आक्रोश है। पीड़ित बच्ची और उसके परिजनों ने बाईसी थाने में मुश्ताक के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बच्ची ने गलती से बैर तोड़ ही लिया तो छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार कहाँ तक उचित है। जी। तो दूसरा बच्चा बैट तोड़ रहा था तो हम लोग स्कूल घुसी रहे थे, तो एक वो आदमी आके हम लोग को पिटा रहा था और बैगन के खेत में हमको थूक चटाया। हम लोग सबके साथ में जा रहे थे, हम लोग को स्कूल हम लोग अभी घुसी रहे थे, पीछे से आके बांस लेके मारने लगा। हम लोग कितना बोले फिर भी हम लोग को खूब दौड़ा, बाईसी का रोड की तरफ ले जाके मारा, हम लोग को लात लेके डंडा फेंक फेंक के मारा और हम लोग कुछ नहीं बोल पाए। हम लोग इतना रिक्वेस्ट किए, हाथ जोड़े, फिर भी हम लोग को नहीं छोड़ा है। 3 बजे काल वो बच्चा गया है पढ़ने के लिए जी। तो मास्टर नहीं था, वो बैर का घास था जी। वो बैर का घास में बच्चा सब 2-3 बच्चा फल तुला है जी। फल जब तुला है तो
आकर के एक मुसलमान की नाम से वार के नाम बता मुस्ताक आकर के बच्चा को अगोदे पिटाई करा है। पिटाई करवार बाद तो बच्चा को अपना थू हाथ में लिया है और बच्चा तीनों को खिला है। दरभंगा से बड़ी खबर है जहां NH 57 पर अदलपुर और मुर्गिया गांव के बीच एक स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। गाड़ी में सवार तीन लोगों ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। NH 57 पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी गाड़ी धू धू कर जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने आग पर काबू पाया लेकिन तब तक गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए NH 57 की तस्वीर जहां स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार होकर तीन लोग जा रहे थे लेकिन अचानक स्कॉर्पियो में आग लगनी शुरू हो गई। गनीमत ये रही कि समय रहते तीनों व्यक्ति ने स्कॉर्पियो से कूदकर अपनी जान बचा ली। अचानक धुआं निकलने लगा, गाड़ी रोके, बोनट के नीचे हाथ दिए तो पूरा आग धुलवाने लगा। तो फिर उसमें और भी आदमी सब थे? तीन आदमी थे हम लोग। फिर क्या हुआ, फिर उसमें से निकले भागे? हाँ, निकल के बोनट उनर खोले, आग बुझाने कोशिश किए लेकिन बुझाने नगर देखा बहुत धुआं अदलपुर मोड़ में हो रहा है। हाँ। तो प्रशासन आगे आ गया, पीछे हम भी मोटरसाइकिल से आए तो यहाँ देखा, देखने के बाद देख रहे हैं पूरा आग लग गया मगर आदमी जो है बाइज्जत बच गया। पटना जंक्शन पर अयोध्या से वापस लौटने वाले यात्रियों का फूल माला के साथ भव्य स्वागत किया गया। आस्था स्पेशल ट्रेन से सभी यात्री पटना जंक्शन पर पहुंचे। यात्रियों के स्वागत के लिए पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद खुद मौजूद रहे। रामलला का दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं कि राम यात्रा हमारा इतना अच्छा रहा और मोदी जी को हम सभी महिला मोर्चा की तरफ से और बहनों बेटियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। उन्होंने इतना बड़ा भगवान हम सबों का सपना पूरा किया। जय श्री राम। सासाराम के मोहम्मदपुर गांव में लड़कियों के दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कई शहरों की महिला पहलवानों ने भाग लिया। बता दें कि यहां पिछले कई वर्षों से दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें स्थानीय लड़कियों के अलावा अलग अलग प्रदेशों से आए महिला पहलवान शामिल होते हैं। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी नेता भी शामिल हुए। जैसे लग ही रहा है, मतलब ये दंगल टाइप का खेल लग रहा है कि स्टेट होता है ना वैसे हो रहा है यहाँ पे। कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं आपने? यहाँ पे बहुत जगह से लड़की लोग आई है। हाँ। बिहार के बाहर से लड़की लोग भी आई है यहाँ पे खेलने। और से भारत है। आज नया भारत है, नया भारत है। भारत आज दुनिया में 100 से ऊपर गोल्ड मेडल और कितने मने सैकड़ों मेडल लेके आया है। बच्चियाँ हमारी देश में तिरंगा फहरा रही है, दुनिया के देशों में भारत का स्वाभिमान और गौरव बढ़ा रहा जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडल लाओ नौकरी पाओ। और फिलहाल इस बुलेटिन में